पिछले कुछ अरसे के दौरान पंजाब भर के अंदर बच्चों के अगवा के हवाले से बड़ी अफसोसनाक खबरें सामने आ रही थी और अब उन अगवाकारों के शिकंजे में भखर भी आने लगा है। मैं इस वक्त डिपू मोड़ के ऊपर मौजूद हूँ, दरिया खान भखर रोड के ऊपर, कोटा जाम के इंतहाई करीब। और यहाँ पर ये जो शहरी मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हैं, इन्होंने आज सुबह एक ऐसी खातून को पकड़ा है, उसको अरेस्ट करवाया है पुलिस के हाथों के, जो यहाँ पर बच्चियों को अगवा करने की कोशिश कर रही थी और वो बच्चियाँ उससे छुड़वा कर भाग गई थी। फिर उनकी फैमिलीज पीछे आई और उन्होंने उन खवातीन को अरेस्ट किया, उनमें से एक पकड़ी गई है। तो ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या कुछ देखा था और क्या कुछ इनको लगा है कि ये कितनी हकीकत है इसमें या कितना झूठ है, क्योंकि वो जो बच्चियाँ हैं उनका बयान भी हम अभी आपको सुनवाएंगे, जो मुलजिमा है उसका बयान भी हम सुनवाएंगे और जो दीगर वहाँ पर लोग थे, मौके के ऊपर लोग थे, उनकी भी बात सुनवाएंगे। लेकिन पहले यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं जो मौके पर यहाँ पर थे, तो इनसे बात जानने की कोशिश करते हैं। चाचा जी, थोड़ा जहाँ दियो कि सवेरे थी आके हाई है जरा बच्ची को अगवा करने के हवाले ना लिखा तो इकट्ठे थे पर खड़े ये औरत इधर से इस मोहल्ले से जो है ना जी इस तरफ दौड़ के आ गई, पीछे से जो हाँ जी पीछे से जो है ना वो है जिनकी बच्ची का वो था, उनकी औरतें जो है ना जी मर्द अपने अपने कारोबार पे चले जाते हैं, वो औरतें इन्होंने शोर किया तो इधर आई रोड पे, इधर ये दुकानदारों ने जो है ना हिम्मत की इसको पकड़ लिया, तो उन्होंने जो ना पीछे आकर कहा भी हमारी दो बच्चों को ये अगवा कर रही थी। अच्छा, तो यहाँ 15 पे कॉल कर दी, पुलिस आ गई। यहाँ जो है ना हुकूमत को ज़िले इंतजामिया को देखना चाहिए कि ये लोग जो मांगने वाले के रूप में जो है ना इतनी तादाद हो गई है कि दुकानदार परेशान है, दुकानदार इधर मुंह करे तो वो चीज़ उठा मांगने बान चीज़ उठा के ले जाते हैं, और ज़िली हुकूमत को मांगने वालों को कम अज़ कम जो है नोटिस लेना चाहिए। दुकानदार परेशान है, इधर से चीज़ उठाई उधर दे दी, उधर चीज़ उठाई उधर दे दी, इंतजामिया को जो है ना इनका नोटिस लेना चाहिए। हकीकत में गरीब मांगने वाले हैं, ये कारोबारी है, कारोबारी हाँ जी, ये चेक करना चाहिए इंतजामिया को। ये यहाँ पर शहरी मौजूद हैं और ये जो बुजुर्ग मेरे साथ खड़े हैं, इनका यही कहना है कि ये बहुत ज्यादा मसला पैदा हो गया कि यहाँ पर जो जाली मांगने वाले होते हैं उनकी बहुत आहत हो गई है, जिसकी वजह से इस तरह की वारदातों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अब उन बच्चियों का भी बयान सुनिए और जो मुलजिमा है उसका भी बयान सुनिए और जो उन बच्चियों के वालिद हैं या जो मौके पर मौजूद लोग थे उनके भी बयान सुनिए। चाचू भी इन्ना आका ऐसा पिन्ना डाली है ऐसा कोई नहीं होते चाचू, ये ऐसा कोई ना नप्पे है तेरे नाव के लिए बच्ची हैं एक मेरे मामे दे दिया ही थे वो नहीं आने वो डरती है या सा लग दी है मेरे चाचू की नहीं मेरे तेरे एक ना पाने या सब तेरे नाव के दे थब्बा करने ऐसा बात मल गए एक दुपट्टे ही पास रक्षा मक्षा वाला तनाव कौन है थोड़े अपने घर अपने घर आई समय चढ़ दिया ला दिया चढ़ दिया गरीब जम किराया कोई चढ़ दिया ला दिया कितने मैं आ गया मैं हिक्का और
मैनू मार मार सट्टा है मेरे मुंह कुटे ने मेरे कोई जुर्म कसूर कोई ना मैंने बेगुनाह मार मार सट्टा मेरा 100 साल तक जी बने 100 साल तक जी बने मेरा ये काम ठीक है पावे मेरे साल 10 साल नहीं कोई खत्म चा करे 100 साल तक मेरे साल पेश ही है कोई नहीं अल्लाह दे को तौबा है वो मेरा भरा मैं ऐसा है काम बच्चे मासूमा ते जाल की कितना करम ते रो अल्लाह का मरण बजड़े उन्हा दा जड़ा जालिम थी के बच्चा न पी दे बट ठीक है असा घर काना से काम आज एक भी नहीं सारा तो ब्याह भी ना घर गए पीछे मेरे घर खाना ते बाड़िया छोड़िया बाड़ी बाड़ जान खेत में इस बार के होते कपड़ा बुकाए में बाली की खेना बाली को दपाए बाली मरी बुला के भाज गई है पराते तुरंत यू हुआ पर उस रानिया सारी ये पीछे लगी है ना ये बार के एक और आते चाड़े ये एक पराते रह गए छेद की चुनी पाड़ी बाकी में खेना इतना अफशा है अफशा जी अफशा इधर कितनी उम्र है बची बैठी ना खेला।